सेना भारद्वाज जी, श्री काशीराम दिवाकर जी, यूसुफ अली जी, सूर्यपाल पाल जी, मोहनलाल सैनी जी, सुरेश गंगवार जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित इस जनपद के सभी मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, होली के पूर्व 610 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के साथ मैं और प्रदेश अध्यक्ष जी आज यहां पर आए हैं। मैं इसके लिए रामपुर की सभी जनता जनार्दन को हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, हमारे सांसद जी ने, ओलख जी ने, राजबाला जी ने, सक्सेना जी ने, रफीक अंसारी जी ने और हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने जो प्रयास किया उसका परिणाम है रामपुर आज अपनी एक नई पहचान बना रहा है, विकास की नई पहचान। यहां प्रगति माल भी बन रहा है और पीएम स्वनिधि योजना में स्ट्रीट वेंडर के व्यवस्थित पुनर्वास का कार्यक्रम कैसे बनना है उसका एक मॉडल भी रामपुर ने दिया है। यानी रामपुर की पहचान रामपुर के चाकू से था, तो कुछ लोग चाकू का इस्तेमाल जेब कतरने में करते थे और हमने उसी चाकू का इस्तेमाल सबको सुरक्षा प्रदान करने में कर दिया। वायरस यहां पे पहले इसी रामपुर में, जबरन गरीबों की जमीनों पर कब्जा किया जाता था। आज पीएम स्वनिधि योजना में उनके पुनरुद्धार और पुनर्वास का कार्यक्रम किया जा रहा है। यानी यही के वायलिन से संगीत की लहरियां रामपुर घराने की पहचान को फिर से पुनर्जीवित करने का काम कर रही है। हमारा रामपुर फिर से अपनी नई पहचान के साथ आगे बढ़ रहा है। ये 610 करोड़ रुपए की परियोजनाएं इसी उपहार के क्रम में यहां के लिए प्रदान की जा रही हैं। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, आज हम सब जानते हैं, अभी मुझसे यहां मांग कर रहे थे हमारे यहां के जिला के अध्यक्ष जी भी, सांसद जी भी, हमारे यहां के जनप्रतिनिधि भी, कि यहां पे एक सर्किट हाउस का हमने निर्माण किया है। इस सर्किट हाउस का नाम कोई होना चाहिए तो हमने कहा भी संत शिरोमणि रविदास जी से अच्छा नाम और क्या हो सकता है। मन चंगा तो कटौती में गंगा, इस संत रविदास जी ने कहा था। और उस समय उन्होंने उस कालखंड में भी कर्म की साधना को महत्व दिया था, कर्म की साधना। और तब उन्होंने कहा था मन को, मन के जीते जीत है मन के हारे हार, मन चंगा तो कठौती में गंगा। और संत रविदास जी की ये उक्ति आज भी हम सबके लिए उतनी ही सार्थक है। बहनों भाइयों, प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज देशवासियों के सामने एक नया विश्वास भरा है, एक नया विश्वास। दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। जब दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है, ये केवल मोदी जी का ही नहीं सम्मान बढ़ा है, केवल भाजपा के ही मंत्री और भाजपा के ही पदाधिकारियों को, पदाधिकारियों का नहीं बढ़ा है। 140 करोड़ भारतवासी आज जब दुनिया के अंदर जाता है, दुनिया उसे सिर माथे पर बिठा करके सम्मान देती है। 140 करोड़ लोगों का सम्मान प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित हुई है। देश की सीमाओं की सुरक्षा का मतलब हमारा देश पूरी तरह सुरक्षित हुआ है। नक्सलवाद समाप्त, आतंकवाद समाप्त, उग्रवाद समाप्त, इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, वाटरवे, एयरपोर्ट। अभी मोड़ापाणे एयरपोर्ट में हम उतरे,
तो मैं देख रहा था कि मुरादाबाद दूर है, रामपुर नजदीक है, रामपुर को सबसे ज्यादा लाभ उसका मिलना है। और वहां पे जो रामपुर का बाईपास बन रहा है ना रिंग रोड, यह तो आपकी दूरी को और भी कम कर देगा, बधाई हो आपको, इसका भी शिलान्यास हो गया है। बहनों और भाइयों, विकास का यह कार्य हाईवे के रूप में, रेलवे के रूप में, एम्स के रूप में, उद्योग के रूप में, आईआईटी के रूप में, आईएम के रूप में एक नई पहचान बना रहा है। 4 लेन के हाईवे, 6 लेन के हाईवे, 12 लेन के हाईवे, मेट्रो, रैपिड रेल एक नई पहचान बना रहा है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर एक नई पहचान बना रहा है। एक और विकास और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो दूसरी ओर गरीब कल्याण भी है। 4 करोड़ गरीबों के लिए मकान बन गए, उत्तर प्रदेश में 56 लाख गरीबों को मकान मिल गया। देश के अंदर 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर 15 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देश के अंदर 50 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है, तो उत्तर प्रदेश में भी 10 करोड़ लोगों को इस सुविधा का लाभ दिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, चाहे वह पढ़ाई हो, चाहे वह दवाई हो, चाहे वह रोजगार के लिए कमाई हो, और चाहे वह सुविधा और सुरक्षा का बेहतरीन माहौल हो, बेटी हो या व्यापारी, दोनों के लिए सुरक्षा का माहौल देश के अंदर देने का काम आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। और यही कारण है पूरे देश के अंदर आवाज एक ही स्वर है। मोदी जी ने आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में हम भारतवासियों को एक बात कही थी कि हमारा संकल्प होना चाहिए विकसित भारत। विकसित भारत का मतलब हमारा देश खुशहाल होगा, हर गरीब को गरीबी रेखा से ऊपर हम कर देंगे, वह अमीर हो जाएगा, उसके जीवन में खुशहाली आ जाएगी, उसके चेहरे पर खुशहाली आ जाएगी, हर हाथ को काम होगा, हर खेत को पानी होगा, हर व्यापारी का व्यापार फलता फूलता दिखाई दे रहा होगा, भारत दुनिया की एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा, तो दुश्मन हमें टेढ़ी नजरों से देखना बंद कर देगा, घुसपैठ बंद हो जाएगी, भारत की सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था होगी, चाहे और खुशहाली होगी। और उस विकसित भारत की परिकल्पना के लिए मोदी जी ने और 10 वर्ष तक जो कार्य किया, उसी का परिणाम है आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में भारत दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना। और 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना उस ब्रिटेन को पछाड़ करके, जिस ब्रिटेन ने लगभग 200 वर्षों तक भारत में शासन किया था, उस ब्रिटेन को पछाड़ करके भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। और मेरा यह मानना है, पूरा देश मानता है, पूरी दुनिया मानता है, मोदी जी तीसरे कार्यकाल में पहले 3 वर्ष में भारत को दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था बना देंगे। पहले 3 वर्ष में दुनिया की 3री बड़ी अर्थव्यवस्था। और इसीलिए इसके लिए चाहिए विकसित भारत। विकसित भारत के लिए चाहिए विकसित उत्तर प्रदेश, और विकसित उत्तर प्रदेश के लिए चाहिए विकसित रामपुर। विकसित रामपुर के लिए ये सभी योजनाएं हैं, कहीं रिंग रोड बन रहा है, कहीं एयरपोर्ट बन रहा है, कहीं पे चीनी मिल का पुनरुद्धार हो रहा है, कहीं रोड बन रहे हैं, कहीं पॉलिटेक्निक बन रहे हैं, कहीं पे आईआईटी बन रहे हैं, कहीं पे यूनिटी मॉल और प्रगति मॉल बन रहा है, कहीं पीएम स्वनिधि योजना में वहां पे स्ट्रीट वेंडर के व्यवस्थित पुनर्वास के कार्यक्रम को एक मॉडल के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है, कहीं सरस मेला के लिए हॉट बनाए जा रहे हैं। ये सभी नई पहचान के साथ आगे बढ़ते हुए एक नई पहचान को आगे बढ़ा रहे हैं, और विकास किसी प्रक्रिया के साथ जोड़ने के लिए आज पूरे देशवासी आज इसी बात को कहते हैं, एक ही आवाज है पूरे देश में कि हमारा संकल्प विकसित भारत, हमारा संकल्प
हमारा संकल्प विकसित भारत हर भारतवासी का संकल्प होगा तो दुनिया की कोई ताकत आपको विकसित होने से वंचित नहीं कर सकती है, कोई ताकत आपको वंचित नहीं कर सकती है। और उसी परिकल्पना के साथ आज हम सब आपके बीच आए हैं। बहनों और भाइयों, आज क्या नहीं है हमारे पास? ये उत्तर प्रदेश है, 2017 के पहले क्या होता था? कर्फ्यू लगता था, दंगे होते थे। आज हम कह सकते हैं नो कर्फ्यू नो दंगा। यूपी में है सब चंगा, है ना? आज तो सारे पर्व और त्यौहार शांतिपूर्ण तरीके से मनाए जा रहे हैं ना। अब तो नहीं कोई दंगा फसाद है, कोई अराजकता है, कोई गुंडागर्दी है? कोई गुंडा नहीं, कोई बेटी और व्यापारी की सुरक्षा में कोई सेंध नहीं लगा सकता। और अगर लगाएगा तो अगले चौराहे पर यमराज उसको दबोच डालेगा वहीं पे। हमारा अन्नदाता किसान, देखो ना, अन्नदाता किसान पहले उसको बिजली मिलती नहीं थी, अब हमने 2600 करोड़ रुपए केवल इसी साल के बजट में दिए थ्री नलकूप में सिंचाई की योजना के लिए। 2600 करोड़ रुपए केवल किसान को, पीएम स्वनिधि योजना का लाभ भी हमारा अन्नदाता किसान प्राप्त कर रहा है। 23 लाख हेक्टेयर भूमि को हम लोगों ने अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाई है। ये सभी कार्य एक एक करके एक नए उसके साथ अन्नदाता किसान को समय पे उसका गन्ना मूल्य का भुगतान करवाना, उसकी उपज का एमएसपी से अधिक दाम उपलब्ध करवाने का कार्य करना, सरकार इस लक्ष्य को लेकर के निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर आगे बढ़ रही है। और बहनों भाइयों, नौजवानों के रोजगार की व्यवस्था भी आपने देखा होगा, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 फरवरी को 10.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए शिलान्यास किया। इस 10.5 लाख करोड़ रुपए के शिलान्यास का मतलब 35 लाख नौजवान को सीधे सीधे नौकरी। हमारा नौजवान जो पहले बाहर जाता था, कनाडा जाता था, ऑस्ट्रेलिया जाता था, यूरोप जाता था, मुंबई जाता था, सूरत जाता था, देश के अलग अलग भागों में जाता था, नौजवान है अपने गांव में, अपने जनपद में, अपने प्रदेश में नौकरी पाएगा और अपनी प्रतिभा का लाभ प्रदेश को देगा तो प्रदेश का विकास होगा, प्रदेश विकास की नई बुलंदियों को छुएगा। सुरक्षा भी है तो समृद्धि भी है, आजीविका है तो आस्था का भी सम्मान है। सबके पर्व और त्योहार बहुत अच्छे ढंग से, गुरु पर्व भी मनाया जा रहा है और तो साथ साथ होली हो, दीपावली हो, ईद हो, क्रिसमस हो, सब शांतिपूर्ण तरीके से सब लोग मना रहे हैं, खुशहाली है, हर व्यक्ति अपने मस्त है, अपने तरीके से पर्व और त्योहार मनाने के लिए स्वतंत्र है। सरकार उसको सुरक्षा देगी, सरकार उसको सुविधा देगी, यही सरकार का काम है, उसको सुरक्षा भी देना है और सुविधा भी देना है। ये सरकार अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रही है। जनप्रतिनिधि विकास में रुचि लेकर के जनता जनार्दन की सेवा के लिए पूरी तत्परता के साथ कार्य कर रहा है। ऐसी सरकार जब होती है तो देश विकास की नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है, नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई देता है। और आज उसी संकल्प के साथ हम लोग आगे बढ़ करके आए हैं, रामपुर को विकसित रामपुर के रूप में स्थापित करना है, मोदी जी के संकल्प के साथ जोड़ करके कार्य करना है। और उसी संकल्प के साथ जोड़ने के लिए आज मैं रामपुर में आया हूं, प्रदेश अध्यक्ष जी रामपुर में इसी संकल्प को जोड़ने के लिए आए हैं। मैं आपको फिर बोलने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, आप चिंता मत करिए, विकास भी हम देंगे, विरासत का सम्मान भी करेंगे, सुरक्षा भी देंगे, समृद्धि भी देंगे, बस डबल इंजन की सरकार को बनाए रखने के लिए अपना आशीर्वाद इसी प्रकार से देते रहिए। श्री घनश्याम सिंह लोधी ने, श्री बलदेव सिंह ओलख जी ने, श्रीमती राजबाला जी ने, श्री सक्सेना जी ने, श्री रफीक अंसारी जी ने, जिसने भी रामपुर के बारे में जो प्रस्ताव दिए, हमने उसको सिर आंखों पर बिठा करके आगे बढ़ाने के लिए कार्रवाई प्रारंभ की है। हर एक कार्य होंगे, याद रखना, यहाँ का हर कार्य होगा जो मांग करेंगे यहाँ के विकास के लिए, उद्योग के लिए। अभी आपने देखा नए नए उद्योगों के लिए हमने अभी यहाँ पे पत्र जारी किए हैं,
कोई 8,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 6,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 2,000 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है, कोई 500 करोड़ रुपए का निवेश कर रहा है। रामपुर भी अब आगे बढ़ेगा, कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। नई टाउनशिप स्कीम के साथ हम आगे आ रहे हैं, जेल को दूर शिफ्ट करेंगे और यहां पे बेहतरीन टाउनशिप दे करके पार्क देंगे, लोगों को घूमने की बेहतरीन सुविधा देंगे, आगे बढ़ाएंगे, हर प्रकार के लोगों की सुविधा देंगे। रामपुरी चाकू पे भी धार देंगे जो सबकी सुरक्षा के लिए काम भी कर सके और घर में सब्जी काटने का भी काम कर सके। जब समृद्धि आएगी तो किसी के जेब में उसको काटने की नौबत क्यों कोई करेगा, हम उसको कार्य देंगे, उसके हाथ को रोजगार देंगे। और फिर वायलिन के स्वर यहां पर गूंजते हुए दिखाई देंगे रामपुर में। रामपुर घराना फिर से एक बार संगीत के घराने के रूप में रामपुर की पहचान को दुनिया के अंदर एक नई पहचान बना देगा। बहनों और भाइयों, आज उसी अभियान को जोड़ने के लिए हम सब आज रामपुर में आए हैं। यह सरकार विरासत का भी संरक्षण कर रही है, आपका विकास भी कर रही है। आपके नौजवानों के लिए रोजगार की सुविधा भी इस कार्यक्रम के पहले मुरादाबाद में थे, इसी मंडल में एक नया विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया है, एक यहां के लिए और एक मिर्जापुर के लिए। आप सोचो, पहले की सरकार विश्वविद्यालय भी नहीं बनाने देती थी, सरकार विश्वविद्यालय बनाए इसके लिए नहीं, गरीबों की जमीन को हड़प करके जबरदस्ती अपने नाम पे लोग जरूर बनाने का प्रयास करते थे। अब गरीबों की जमीन को कोई हड़पेगा नहीं। आज हमें कोई जमीन चाहिए होती है, बातचीत करते हैं, 4 गुना मुआवजा देते हैं, किसी गरीब की जमीन पे जबरदस्ती हड़पने का काम नहीं करते। तो शिक्षा के लिए भी कार्य हो रहा है, हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज बनेगा, आप चिंता मत करिए, हर जनपद में 75 जनपद है, हमने अब तक प्रदेश के अंदर 39 जनपदों में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन चुके हैं, 14 में निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर आगे बढ़ रहे हैं और शेष अन्य जनपदों के लिए हमने पीपीपी मोड पर भी अपने प्रस्ताव मांगे हैं। जहां कोई नहीं बनाएगा वहां सरकार स्वयं मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगी। स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था हो, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, उद्योग के अनुकूल माहौल हो, सुरक्षा का बेहतर कानून का राज हो, सुशासन आने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती है और सुशासन के उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए डबल इंजन की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अहर्निश कार्य कर रही है। और इसीलिए तो आज देश भर से एक आवाज उठ रही है, एक स्वर है पूरे देश से, और वह है 2024 के लिए। 2024 में फिर एक बार मोदी सरकार, फिर एक बार मोदी सरकार का स्वर उठ रहा है। आप सभी सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? रामपुर के भाइयों बहनों, अपना आशीर्वाद देकर के बताइए कि आप लोग सहमत हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो बहनों और भाइयों, मोदी सरकार के लिए